नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। बात बड़वानी की करें तो दूसरी लहर में यहां भी शुरुआती दौर में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, लेकिन प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा लिया है। आखिर बड़वानी में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया और कैसे इसे धरातल पर लागू किया गया, ये बताने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं बड़वानी के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, जो कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर पूरे मुस्तैदी के साथ अलर्ट हैं। तो हमारे साथ शिवराज सिंह वर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि किस मॉडल को आपने अपनाया, कैसे आपने काम किया कि वहाँ पर अब जो संक्रमण की जो दर है, जो रेट है, वो बहुत नीचे आ गया है, बहुत कम मरीज अब सामने आ रहे हैं। पहले तो आपको धन्यवाद जो मुझे आपके चैनल से जोड़ा गया। और जैसा कि बड़वानी जिला महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, मेरे जिले की लगभग 200 किलोमीटर की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। बड़वानी जिले के लोगों का आना जाना महाराष्ट्र में डेली होता है और विशेष करके बड़वानी के लाखों मजदूर महाराष्ट्र में काम करने जाया करते हैं। होली के टाइम पर एक बहुरिया हाट लगता है। बहुरिया हाट में लगभग 3 से 4 लाख बड़वानी जिले के मजदूर वहां से लौट करके भगोरी आर्ट में शामिल होने के लिए आते हैं। ये 28 मार्च से पहले की घटना है और जैसा कि अंदेशा हमको पहले ही हो गया था कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और हमारे नजदीकी जिले नंदुरबार और धुलिया महाराष्ट्र के दोनों जिलों में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ा था और उसने महाराष्ट्र के जो कोरोना ने हमारे बड़वानी जिले में भी तेजी से पैर पसारना प्रारंभ किए। मेरे जिले के 2 तहसील है, पानसेमल और सेंधवा, इनका महा अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इनका 75% पूरे जिले में केस दोनों तहसीलों में आने लगे। और हम लोगों ने एक प्लानिंग के तहत में, क्योंकि गांव-गांव में बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज बढ़ने लगे जी। और इस पूरी इसको कोरोना की उसको रोकने के लिए सबसे पहले गांव में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा और एएनएम, इनकी पूरी टीम बना करके घर घर इसका सर्वे कराया गया। जो लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के पेशेंट्स निकले उनको मेडिकल की किट का वितरण कराया गया। इसके साथ साथ में जिले में 16 आरआरटी और एमएमई टीम हमने बनाई गई थी। उन टीमों में से लगभग 12 से ज्यादा टीम मैंने दोनों इसी एरिया में तैनात की गई। वो पेशेंट को घर घर जाकर देखती थी किसका सैंपल लेना है, किसको और क्या समस्या हो सकती है, तो हमने तेजी से सैंपल भी बढ़ाना चालू किए। माह अप्रैल में लगभग 12 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में जिले का पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से बढ़ा जी। और एक टाइम में 40% केस पॉजिटिव निकलने लगे। पूरे माह अप्रैल में लगभग 23 से अधिक पॉजिटिविटी परसेंट रहा, जो कि शायद हमारे पूरे प्रदेश में सबसे हाईएस्ट परसेंट रहा। इस पूरी कवायद में जो दो काम हमने किए थे, एक तो किल कोरोना अभियान जिसका नाम दिया गया, किल कोरोना अभियान मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा से घर घर जाके सर्वे कराना, उनको मेडिसिन बांटना और आरआरटी और एमएमयू टीम से सैंपल लेना। दूसरा, जिले में कोरोना कर्फ्यू का जो लगाया गया वो बहुत उसका सख्ती से पालन कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा मोर्चा संभाला गया। हम लोगों ने पूरे बॉर्डर पर लगातार जा करके भ्रमण किया गया और जो भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते उस पर सख्त कार्रवाई की गई। ऐसे जो लोग उनके विरुद्ध में कलेक्टर के जो ऑर्डर का उल्लंघन करने में धारा 188 के प्रकरण भी पंजीबद्ध कराए गए। अनेकों लोगों को खुली जेल में रखा गया और अनेकों पर तगड़ा फाइन लगाया गया। ये सब चीजें कार्रवाई की गई, इसमें जनता का पूरा सहयोग लिया और उसमें राजनीतिक हमारे लोग और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण सभी का पूरा सहयोग लिया गया। जिले में जिला कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इसका समय पर बैठक कराई गई और फीडबैक लिया गया है। इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर
ब्लॉक स्तरीय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गठन करके और उनसे भी फीडबैक लिया, उनको एक्टिव किया गया और उसके बाद में ग्राम स्तरीय जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसका भी गठन करके गांव में किस तरह से कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जावे, लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो स्थानीय स्तर पर उनका गाँव से मूवमेंट रोका जावे, महाराष्ट्र के सभी बॉर्डर सील किए गए केवल एनएच को छोड़ करके, एनएच में चूंकि भारी वाहनों का आवागमन रहता है इसलिए उसको रोकना संभव नहीं था, महाराष्ट्र से बसों का आना जाना शासन की ओर से प्रतिबंधित किया गया है, अन्य जितने भी रास्ते थे सारे सील किए गए और गांव में भी गांव के लोगों से मिल करके गांव के लोगों से बात करके गांव के आने जाने के सारे रास्ते बंद किए गए, लोगों को तैनात किया गया, शासकीय अमले को तैनात किया गया, उससे हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल हुए जी। और जैसा कि अभी आपको पता होगा हमारा जो मई महीने है इसमें तेजी से कोरोना के जो संक्रमण वाले जो केस है जो हमारा अप्रैल महीने 23% से अधिक था, हमारा 10 मई के बाद में कोरोना के केसेस बहुत कम संख्या में लगे और आज की स्थिति में हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.5% से भी कम हो गया है। बिल्कुल पूरे वीक का जो पॉजिटिविटी रेट है 0.8% है, मतलब एक से कम है और हमारे सैंपल की गति हमने पहले से बहुत बढ़ाई है, अब प्रतिदिन लगभग हम 1300-1400-1500 सैंपल लेते हैं और आज ही मेरे केवल 1273 सैंपल में से केवल 5 केस पॉजिटिव आए हुए हैं जी। तो ये स्थिति है, जिले में काफी लोगों के सहयोग से इसको हम लोगों ने पूरा सख्ती से कोरोना कर्फ्यू पालन कराते हुए और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम हमने और किया कि हमारे एरिया में जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत और गांव को हमने 4 भागों में विभाजित किया गया जी। ग्रीन जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। उसी स्थिति में हमारी जो 9 नगर पंचायत है जिले में उस एरिया को भी हमने वार्डों में विभाजित किया गया, उससे हमने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जो रोड रेड जोन और ऑरेंज जोन के एरिया है उनको हमने हॉटस्पॉट मान करके उसमें बहुत प्लानिंग के तहत में सैंपल लिए गए, लोगों का आना जाना बंद किया ही, साथ साथ में जो हमारी जहाँ हमारी जो टीम काम करती है जिला स्तरीय अधिकारी है, हमारे दूसरे खंड स्तरीय अधिकारी है, हमारी पुलिस प्रशासन की टीम है, इनको हमने पूरा फोकस कराया गया कि सबसे पहले जो हॉटस्पॉट एरिया है इनको कैसे हम लोग कम करें। तो अच्छी बात यह है कि हमारा ऐसी इस रणनीति के तहत में हमारे और हॉटस्पॉट एरिया पे हमारी प्लानिंग तक कार्रवाई होने की वजह से हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल हो पाए हैं जी। इसके अलावा चूंकि जिले में पूरे प्रदेश में ही अप्रैल माह में बहुत तेजी से कोरोना केस बढ़े थे और हमारे बड़वानी जिले में बहुत तेजी से बढ़े थे और चूंकि बड़वानी जिले में आसपास के जो जिले हैं खरगोन है, धार है, झाबुआ, अलीराजपुर है और कुछ इंदौर महाराष्ट्र के भी पेशेंट यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो वहां पर ग्रामीण तबका है वहां पर आपको ज्यादा मुश्किलें पेश आई, वहां ज्यादा बड़ी चुनौती वहां पर लगी या शहरी तबका था वहां पर आपको चुनौती लगी क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी आपने शुरू करवाई है वहां पर? बड़वानी जिला भौगोलिक दृष्टि से भी काफी फैला हुआ जिला है जी। एरिया में भी समस्या अलग टाइप की हैं, जो शहरी एरिया जो नगरी एरिया है जो कस्बे वाले गाँव है बड़े बड़े यहाँ पर समस्या अलग है, लोगों का फ्रीक्वेंट आना जाना मतलब लोग अनावश्यक रूप से भ्रमण भी करने का प्रयास करते थे, काफी चीजें कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन करने का प्रयास करते थे, अनेक दुकानदार जो लोग हैं वो भी अपनी दुकान खोलने का प्रयास करते थे, इनको पहले काफी समझाया गया, सब प्रयास किए गए, अनाउंसमेंट किया गया तो उसमें जब कुछ लोग नहीं माने तो काफी तगड़ा फाइन किया गया, लगभग 10-10 हजार रुपए तक किसी को फाइन करना पड़ा और क्योंकि एक दूसरे के लिए था ग्रामीण एरिया में भी लोग कोरोना को लेकर के ज्यादा लापरवाही बरतने रहे थे, गांव-गांव में लोग शादी अन्य कार्यक्रम भी जारी रखते रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर शासन से माने हमारे माने मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी मंत्री जी जो कोरोना के हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी की लगातार मॉनिटरिंग करते थे, तो हम लोगों ने देखा कि गाँव में लोग शादी कर रहे हैं, इसको रोकना बड़ा मुश्किल था, एरिया फैला हुआ है, तो सबसे पहले हमने एक दो शादियां ऐसे करते हुए मिले तो ऐसे शादी करने वालों पे हमने 188 का उन पे FIR कराया गया और इसके अलावा एक टीचर थे उनको मैंने सस्पेंड किया गया, एक सरपंच को मैंने बर्खास्त करना पड़ा और सचिव को भी बर्खास्त करना पड़ा और मेरे द्वारा सभी जो हमारे जिले के अधिकारी हैं जो
फील्ड वाले जिसमें सीओ जनपद पंचायत और हमारे एसडीएम सभी को मैंने निर्देश किया गया था कि यदि गाँव में अब कोई भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है जो प्रतिबंधित है जी। तो सबसे पहले वहाँ का सरपंच को हटाया जाएगा, वहाँ के सचिव को सस्पेंड किया जाएगा और इसकी वजह से पूरे जिले में एक मैसेज गया और सभी लोगों ने फिर सभी सरपंच और सचिव और अन्य अमले द्वारा पूरा सहयोग करते हुए उनके द्वारा गाँव गाँव में कोई आयोजन नहीं होने दिया और गाँव गाँव में यदि किसी ने कोई बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया तो उस पर उनके द्वारा स्वयं एफआईआर कराया गया। उसकी वजह से पूरे जिले में जो कोरोना कर्फ्यू का पालन करने में हमको वो आसानी हुई। कुछ कठोर स्टेप उठाने अवश्य पड़े पर कठोर स्टेप से जिले में हम लोगों ने कोरोना को कंट्रोल करने में काफी बिल्कुल जब समझाने से बात नहीं पड़ी बनी वहां पर तो सख्ती भी दिखानी पड़ती है, ये जरूरी भी है। सर वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को वहां पर अमल में लाया जा रहा है, कैसे हो रहा है वैक्सीनेशन? जैसा कि यहां पर 70% इस जिले में ट्राइबल लोग हैं, आदिम जनजाति के पॉपुलेशन 70% के आसपास है। यहां पर लोग उतने जागरूक नहीं है, अनपढ़ लोग भी हैं और कुछ यहाँ पर लोग भ्रम फैलाने वाले लोग भी इस जिले में काफी रहते हैं कि वैक्सीनेशन से ऐसा होता है वैसा होता है, अनेक समस्याएं इस जिले में हैं। उसको वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए तो हमारे कोरोना के जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं जो मध्य प्रशासनिक कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी उनके द्वारा लगातार पूरे एरिया में 10-15 गाँव का प्रतिनिधि भ्रमण करके लोगों को समझाइश दी जा रही है और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोग हैं गाँव के पटेल पुजारा इन सभी के माध्यम से और शासकीय मंत्री जी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। अभी पहले इसमें बीच में कुछ रुकावट आ रही थी, अब लोग समझाने पर तैयार होने लगे हैं। अभी वैक्सीनेशन को लेकर के चूंकि 18 प्लस में एक अच्छा उत्साह है, 18 साल से 44 साल के बीच के बच्चों में काफी उत्साह है, उसकी वजह से इसका पूरा 100% वैक्सीनेशन हो रहा है। उसको देख करके भी जो 45+ की जो लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन कराने के आगे आ रहे हैं और अब काफी स्थिति में सुधार हो रहा है। जी सर एक चीज और समझना चाहेंगे कि कोरोना के बाद एक अगली मुसीबत है, उसको एक चुनौती कह लीजिए, मुसीबत कह लीजिए कि ब्लैक फंगस और उसके मरीज भी हर जगह मिलना शुरू हो गए, तो उसके लिए किस तरीके से आप तैयार हैं? यहाँ पर ब्लैक फंगस केस बड़वानी में यहाँ पर भी निकल रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो डेंटिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है और ENT वाले जो डॉक्टर है उनके साथ जिले के सभी के साथ मीटिंग किया हुआ है, जो उसके प्रारंभिक लक्षण है उनको आइडेंटिफाई करके शासन की ओर से इसमें इंदौर जो मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर एक इलाज के लिए निश्चित किया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्टेज में जो भी केस इस तरह आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनको हम लोग इंदौर के लिए रेफर करा रहे हैं और प्राइमरी स्टेज में एक फायदा ये होता है कि तत्काल केस को आइडेंटिफाई करने से उसका इलाज भी आसानी से हो रहा है। तो प्रयास ये है पूरे जिले में इसको बता दें, एक मेरा डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर काम करता है, यहाँ पर मेरे पास में 24 लोग दो पालियों में काम करते हैं सूरज रात तक। जितने भी लोग हमारे अस्पताल से प्राइवेट से चाहे सरकारी से ठीक होकर जा रहे हैं उनसे वो बात करते हैं, डेली लगातार बात करते हैं कि आपको कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है कि जिसमें आपको ब्लैक फंगस हो, तो उनसे बात करके उनको एडवाइस की जाती है कि यदि कोई ऐसा सिम्टम है आपका तो आप तत्काल यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाइएगा और उनको ऐसे किसी को आइडेंटिफाई करके भी हम लोग इंदौर इलाज कराने भेज रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था हम लोगों ने डेवलप की हुई है तो एक कंट्रोल रूम का नंबर भी सबको पब्लिश किया हुआ है और हमारे अधिकारी लगातार संपर्क कर रहे हैं, समस्या है पर उसका निदान करने के लिए शासन की ओर से इंदौर जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर व्यवस्था की गई है। बिल्कुल शासन की ओर से की गई है, प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश वहां पर जारी है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि वहां पर जो सामाजिक संगठन है, जो NGOs हैं, वो किस तरीके से मदद के लिए सामने आई, क्या मदद के लिए प्रशासन को उनके पास जाना पड़ा या वो खुद ही सामने आए और उन्होंने कहा कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं और कोरोना की इस लड़ाई में हम एक हैं, हम साथ हैं? यहाँ पर सभी तरह के संगठन हैं, पहले से ही काफी अच्छे काम करते रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर है इसमें थोड़ा सा लोगों को डर अवश्य हुआ था, हम लोगों ने उनसे लगातार संपर्क किया, बात किया, अपील किया और उसके बाद में सभी NGO सामाजिक धार्मिक सभी संगठन एक्टिव हुए और इवन हमारे बड़वानी में 10 हॉस्पिटल प्राइवेट हैं और सरकारी हॉस्पिटल से यहाँ पर जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंस को खाना खिलाने की व्यवस्था लोगों ने निःशुल्क की हुई है, लगातार खाना खिला रहे हैं, कोई किसी तरह की समस्या किसी को ना आए। तो हमारे जो सभी NGO और सभी संगठन एक्टिव हैं, इसके अलावा
एक हमारा जामली में कुछ सैंडवा में कोविड सेंटर है, वहां पर भी सैंडवा के आसपास के जितने भी संगठन और समाजसेवी लोग हैं उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। उनके द्वारा जामली में वहां पर जो बेड्स के लिए सारा अरेंजमेंट उन्होंने निःशुल्क करवाया हुआ है, इवन कुछ लोगों ने दवाइयां भी वहां पर फ्री में दी हुई हैं, और उसके अलावा वहां पर डेली खाने का नाश्ते का सारा अरेंजमेंट फ्री में किया गया है, लोगों की तरफ से पूरा चल रहा है और लोगों को घर जैसा वातावरण मिल रहा है। इसके अलावा कुछ वहां पर दूसरे लोग भी है जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस के लिए डीजल और पेट्रोल भी जो लगता है वो फ्री में दे रहे हैं। तो यहाँ का जो वातावरण बहुत शानदार है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई इलाज में तकलीफ भी है तो लोग हम लोग अपील करते हैं तो उनकी फ्री में वो व्यवस्था भी कराते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे लोगों ने, संगठन लोगों ने जो मेडिकल के मेडिकल की जो किट्स हैं, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, अन्य सामग्री हो, ये लगातार दान में दी जा रही है और यहाँ पर एक अच्छा वातावरण है और लोग सबसे पहले आगे आने लगे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आने लगे। सर, एक और परेशानी, चूंकि कोरोना कर्फ्यू का समय चल रहा है, इसमें एक परेशानी बहुत से लोगों के सामने रही होगी कि रोजी रोटी की समस्या उनके सामने आ गई, तो उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था करवाई गई आपकी ओर से और कैसे उनकी मदद पहुंचाई गई? हमारे शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पूरे प्रदेश में जो 3 महीने का राशन है वो गरीब लोगों के लिए फ्री में दिया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी 2 माह का 1 व्यक्ति को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जा रहा है, और उसको हमने वितरण की बेहतरीन व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया हुआ है। पूरी अमले को लगाया हुआ है कि जो नीडी व्यक्ति है वो छूट न जाए, उसको घर घर ऐसे जो छोटे हुए लोग हैं उनको भी सर्वे करके नाम जोड़ करके और सबको राशन वितरण कराया जा रहा है। और अभी पूरे जिले में ऐसी कहीं से कोई समस्या नहीं आई है। हमारे सामाजिक और जो अन्य संगठन है, एनजीओ वगैरह भी है, वो भी नजर रखे हुए हैं कि कोई समस्या इस तरह की आती है तो तत्काल मदद करते हैं, पर पूरे जिले में अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। साथ साथ में चूंकि जिले में हम लोगों ने एक काम और किया है कि जो गांव में, जिन गांव में हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया था, वहाँ पर नरेगा के माध्यम से भी लोगों को मजदूरी यहाँ पे दे रहे हैं, और जो अन्य निर्माण कार्य जो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हो सकते हैं वो भी यहाँ पर काम चल रहा है। गरीब लोग हैं वो लोग अपना सब्जी फल अन्य जो बेचने वाला काम उनकी भी हमने मोहल्लों में बेचने की व्यवस्था की हुई है सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, तो आम आदमी को तकलीफ ना, पूरा उसका ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी रेट वहाँ बहुत ज्यादा कम हुई और बड़ी मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने काम किया वहाँ पर, तो ये मान सकते हैं सर कि 31 मई के बाद जो 1 जून से राहत मिलने वाली है राज्य के बहुत से जिलों में, वो राहत यहाँ भी मिलेगी और कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी काफी हद तक? हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश में एक साथ में सबसे बात की है, सभी अधिकारियों से किया, सभी कलेक्टर्स को, कि क्योंकि लंबा इसको कोरोना कर्फ्यू जारी रख नहीं सकते हैं, लोगों की रोजी रोटी की समस्या है, तो 1 जून से इसको कुछ शर्तों के आधार पर इसको ढील दी जाएगी। और हम लोगों ने क्योंकि 1 जून से पहले ही हमारे यहाँ जो मैनमेंट जो जरूरत की चीजें हैं वो हमारे यहाँ पहले से छूट हमने दे रखी हुई है, किराना दुकानों से होम डिलीवरी की व्यवस्था भी है, फल सब्जी की व्यवस्था पहले से ही है। अभी किसानों का खेती वाला काम चालू हो गया है तो उनके लिए खाद और बीज की व्यवस्था सोसाइटी के माध्यम से और प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से और प्राइवेट दुकानों के माध्यम से ये जिले में हमारे यहाँ व्यवस्था ही हमने 18 तारीख से ही चालू कर दी है। और मुझे लगता है कि जो आवश्यक काम कोई प्रभावित ना हो, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए हमने पूरी टीम को तैनात कर रखा है और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, तो आवश्यक कोई भी काम इस टाइप का जो फ्यूचर में लोगों को परेशान ना करें उसका हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। बिल्कुल सर, इस माहौल में बहुत ज्यादा काम डॉक्टर्स का भी बढ़ा है, आप लोगों का भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और फिर जो डॉक्टर्स हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, उनके मानसिक स्थिति को संभालने के लिए क्या कुछ किया गया है वहाँ पर, किसी तरीके का कोई काम कि उनकी मानसिक स्थिति संभली रहे और इन हालातों में भी वो ठीक ढंग से काम कर सकें? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा कि शुरू शुरू में जब अप्रैल का महीना था तो ज्यादा पॉजिटिव केस बढ़ने की वजह से काफी एक अफरा तफरी का माहौल बनने लगा था, काफी लोग परेशान भी लग रहे थे, अधिकारी कर्मचारी भी परेशान थे, सभी डॉक्टर्स भी परेशान थे, परंतु उनका लगातार उत्साहवर्धन किया गया, जिले में सभी अलग अलग उसके लिए मेरे द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और मैं स्वयं लगातार विजिट कर करके जो नीचे का जो अमला है उसको मोटिवेट करता, मैं जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके उनके बाढ़ में जाकर के भी मैं हौसला अफजाई करता, तो लोगों को लगता है जब कलेक्टर हमारे सामने खड़े हुए हैं तो और अति उत्साह से वो काम करते थे, और ऐसे यंग लोग डॉक्टर्स हैं
उन लोगों ने पूरे जिले की कमान संभाली और उससे एक अच्छा वातावरण बना और उन लोगों ने भी लोगों के लिए योगा वगैरह हमने प्रारंभ किया हुआ, जो एक्सरसाइज वाला चालू किया हुआ, हम लोगों ने अस्पतालों में म्यूजिक सिस्टम भी लगवाए गए और काफी चीजें नवाचार करने का प्रयास किया गया ताकि लोगों को नेगेटिविटी का उसके माहौल से दूर किया जा सके। बिल्कुल सर, हमारे चैनल के माध्यम से बड़वानी के लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि चूंकि बड़वानी जिला एक इसका बॉर्डर एरिया महाराष्ट्र से लगा हुआ है और इसका पूरा असर बड़वानी पे सीधे पड़ता है, तो अभी चूंकि कोरोना एकदम कम तो हो गया है परंतु कोरोना हमारे बीच में है जी, सावधानी अति दुर्घटना घटी जैसी स्थिति है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से घर से जो लोग निकलते हैं वो घर से ना निकलें, जब भी निकलें तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा के निकलें और अपना सैनिटाइजर अपने साथ में रखें और भविष्य में जब भी केस भली कम हो जाते हैं या कम ज्यादा जरूरी स्थिति बनती है परंतु कोरोना के साथ में ही कोरोना की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ में ही हमारी जीवनचर्या को अपनाना पड़ेगा। और मैं News24 के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये लोग जो है मतलब सभी लोग अपने कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है क्योंकि कोरोना से लड़ाई अब भी हमारी जारी है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।